Assalamu alaikum. Let's start. Basically, what we are going to do is we are going to just solve two numericals in this class. Ek numerical jo humne last type of brake and clutches start kiya in the previous lecture, which is band type brakes and clutches. Usme se hoga aur ek pichle type ka brake ka sawal hoga, theek hai? And after this lecture, we will be done with the course basically. So, वेरी क्विकली गोइंग थ्रू कि हम कौन से टाइप की ब्रेक की बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैंड टाइप ब्रेक्स एंड क्लचेस जिसके अंदर बेसिकली दिस इज वेरी सिमिलर टू एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स एंड क्लचेस बट इंस्टेड ऑफ हैविंग ब्रेक शूज ऑन द आउटसाइड वी हैव अ फ्लेक्सिबल बैंड. बैंड के अंदर हम टेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है बिटवीन द ड्रम एंड द बैंड और द ड्रम कैन स्टॉप एंड द व्हील कैन स्टॉप. This has been used in several applications. For example, this is the bicycle brake choosing the band type system. Okay. इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज द स्कीमेटिक दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. इसके अंदर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर एक्चुअली टू फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू डिस्कस. एक जो है वो ये है कि आपके पास जो ब्रेक होगी दैट ब्रेक विल वी हैव टू पार्ट्स. ठीक है, दो पार्ट्स होंगे. एक ड्रम है, उसके ऊपर से एक बैंड गुजर रहा है. जो बैंड आपके ड्रम के ऊपर से पास हो रहा है तो जितना एंगल वो आपके ड्रम के ऊपर कवर कर रहा है ना, दैट एंगल इज फाइव. इतने एंगल तक वो इन कॉन्टेक्ट विद द ड्रम. इसके बाद वो ड्रम से अलग हो जाता है, इन द टेंजेंट डायरेक्शन सेपरेट आउट होता है. तो फाइव इज एन इम्पॉर्टेंट एंगल फॉर अस. ठीक है, वी यूज दिस इन अवर न्यूमेरिकल्स एज वेल, कैलकुलेशन में यूज होता है. और दूसरी जो चीज है वो आपके जो दो एंड्स आपके बैंड के बाहर आ रहे हैं ड्रम से, दोज हैव टेंशन इन देम और दोनों में डिफरेंट टेंशन होती है बिकॉज आपके पास थ्रू आउट दिस कॉन्टेक्ट रीजन आपके पास सब जगह पे फ्रिक्शन है. ठीक है, और इस फ्रिक्शन को वी नीड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन आपके पास जो टेंशन है ना दोनों एंड्स पे चेंज हो रही होती है. तो हम टेंशन किस तरीके से लेते हैं, किस एंड में कौन सी टेंशन लेंगे. हमने दो टेंशन के सिंबल्स अज्यूम किए हुए हैं, पी वन एक पी टू है. पी वन इज एक्चुअली मोर देन पी टू. हमेशा हम ज्यादा वाले को पी वन देते हैं. और कौन सी साइड में ज्यादा टेंशन होगी, जो साइड ऑपोजिट है रोटेशन की. दिस कैन यू कैन थिंक ऑफ दिस इंट्यूटिवली एज वेल कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन यहाँ, क्योंकि देखिए ड्रम स्लिप भी हो रहा है. ठीक है, तो अगर ड्रम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके पास इस साइड में फोर्स कम होगी बिकॉज इस डायरेक्शन में जो टेंशन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में स्लिपिंग भी हो रही है. तो इधर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी आपके बैंड, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक चीज हो सकती है फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर इस तरीके से, इधर इस तरीके से. तो दिस फ्रिक्शन इज एक्चुअली सपोर्टिंग पी टू, तो पी टू का जो मैग्नीट्यूड है रिड्यूस होगा. इधर फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू पी वन, तो टेंशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो. तो हमें देखना ही होता है कि ड्रम की रोटेशन की ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको पी वन कहते हैं, दूसरे वाले को पी टू कहते हैं. ठीक है, फिर हम आते हैं अपने फोर्स एनालिसिस की तरफ. तो फोर्स एनालिसिस में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमने समेशन एफएक्स समेशन एफआई किया, उससे इन अ वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट उससे हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल के आई बिटवीन द टू एंड फोर टेंशन पी वन पी टू की, दैट इज पी वन अपॉन पी टू इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एफ फाइव. एफ इज द फ्रिक्शन कोफिशियंट एंड फाइव इज द एंगल जिसपे आपका बैंड कॉन्टेक्ट में आ रहा है. ठीक है, और दिस एंगल नीड्स टू बी टेकन इन रेडियंस बिकॉज इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं यूज हो रहा, डायरेक्टली एंगल यूज हो रहा है तो उसको रेडियंस मिल रहा है. और P1 is more than P2, ठीक है, this we have talked about this. एक और चीज होती है कि sometimes instead of giving you the force, you might be given the pressure, क्योंकि band tension में है तो वो tension की वजह से एक pressure exert करेगा आपके drum के ऊपर, that we are referring to as small p, ठीक है, small p pressure और capital P tension, ठीक है, तो remember the difference. तो हमने एक relationship find कर ली थी pressure की अपनी tension के साथ, क्योंकि टेंशन कैपिटल पी इज चेंजिंग एवरीवेयर, तो कैपिटल पी एंड हर लोकेशन पे डिफरेंट है, तो हर लोकेशन पे प्रेशर भी डिफरेंट होगा. मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, जहां पे पी मैक्सिमम है, टेंशन मैक्सिमम है. मैक्सिमम टेंशन इज पी वन,
lowest tension is P2. The maximum pressure is at the location of P1 and the minimum pressure is at the location of P2. So, aapko questions ke andar sometimes you will be given the maximum pressure PA. और अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर पता हो उससे आप पी वन निकाल सकते हो. और अगर पी वन आ जाती है तो हमने अभी जो पी वन और पी टू की रिलेशनशिप देखी थी इससे पी टू भी निकल आएगा. वंस आई हैव बोथ ऑफ देम देन आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट द ब्रेकिंग टॉर्क फ्रॉम दिस रिलेशनशिप हियर. ठीक है, तो ये तो बेसिक मैथ्स हो गई. एक सवाल हमने किया था इसका पिछली क्लास में, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस, यू शुड लुक एट द प्रीवियस लेक्चर टू लुक एट दिस. ठीक है, अभी जो मैंने सवाल करना है इट इज दिस प्रॉब्लम सिमिलर टू बेसिकली जो हमने अभी एक एनिमेशन देखी थी ना उससे सिमिलर है कि एक लेवर है उसके ऊपर आप एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है बैंड में एंड द टेंशन कॉजेज द ड्रम टू स्टॉप. ठीक, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एफ गिवन है, मैक्सिमम फोर्स एफ 400 गिवन है, तो दिस इज नॉट अ टेंशन, टेंशन इधर एक्ट कर रही है, उन्होंने एफ दी है एंड वी नीड टू समहाउ यूज दिस एफ टू कैलकुलेट द टेंशन्स हियर. बैंड की विड्थ बी दी है, बी यूज होता है प्रेशर के रिलेशनशिप में. अगर प्रेशर यूज नहीं हो रहा आपका कहीं पे तो विड्थ का कोई काम नहीं, हमारे केस में विड्थ का कोई रोल नहीं होगा, हमें टेंशन निकालनी है और टॉर्क निकालना है, तो वी नीड टू फाइंड पी वन पी टू एंड देन टी, दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, अप्रोच क्या होगी हमारे पास, अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले हमें इस लेवर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो व्हाट विल बी एबल टू डू इज विल बी एबल टू सॉल्व समेशन, लेट्स लेबल दिस एंड एज ओ, विल बी एबल टू सॉल्व समेशन एम ओ इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, एंड इसमें एफ आ जाएगा और जो यहां पे बैंड की टेंशन है वो टेंशन आ जाएगी. सबसे पहले काम ये करते हैं कि देख लेते हैं कौन से एंड में P1 है कौन से एंड में P2 है. ठीक, तो इस साइड पे एक फोर्स एक्ट कर रही होगी और इस एंड में भी एक फोर्स एक्ट कर रही होगी. इस साइड पे रोटेशन की ये सेंस ऑफ रोटेशन है, इधर ये सेंस ऑफ रोटेशन, तो ऑपोजिट वाली साइड जो होती है दैट इज P1 और जिस साइड पे सेंस ऑफ रोटेशन P के सेम होती है दैट इज P2. सही, फ्री पार्ट ऑफ द बैंड, जब भी कोई फ्री केबल या वायर ऐसी होती है फ्री होती है उसके अंदर टेंशन सेम रहती है, तो दोनों एंड के ऊपर सेम टेंशन अप्लाई होगी और टेंशन ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, जिस भी पॉइंट के ऊपर टेंशन ले रहे होंगे उससे बाहर की तरफ एक्ट कर रहे हो, तो इस पॉइंट के ऊपर पी टू जो है दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो पी टू. तो अगर मैं O के ऊपर मोमेंट लेता हूं तो आई विल बी एबल टू से F टाइम्स दिस एंटायर मोमेंट आर्म विच इज 325, इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है और P2 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज नेगेटिव, P2 का मोमेंट इज पॉजिटिव, टाइम्स मोमेंट आर्म इज 100 इक्वल्स टू जीरो. आई कैन फाइंड आउट P2 फ्रॉम हियर, P2 जैसे निकल आएगा मेरे पास और फिर P2 जब मेरे पास आ जाएगा तो मुझे ये रिलेशनशिप यूज करनी है और इस रिलेशनशिप को यूज करके फिर मुझे P1 निकालना. अब इस रिलेशनशिप में मुझे F पता है बट मुझे phi नहीं पता, तो मुझे phi निकालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो आई विल नीड टू समहाउ फाइंड phi, तो phi ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा. तो अब ये हमारी अप्रोच हमें समझ में आ गई कि हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे ऑन द लेवर, उससे P2 आ जाएगा और फिर हमें phi ढूंढना है यूजिंग ज्योमेट्री एंड फ्रॉम देयर वी कैन एक्चुअली गेट P1, और जब P1 आ जाता है तो वी कैन सॉल्व फॉर T फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. राइट, ओके. तो एक मैंने पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में एक बात की थी कि जब भी कोई अंडर टेंशन वायर केबल या बैंड पुली या सिलेंडर के ऊपर से पास हो रहा होता है वो सिलेंडर से हटता है, इट ऑलवेज लीव्स द सिलेंडर और द पुली टेंजेंट टू द सर्कमफेरेंस. ठीक है, जो भी आपके सर्कल बन रहा है उसके टेंजेंट बाहर जाकर, यानी दिस थिंग इज एक्चुअली टेंजेंट टू द सर्कल. सही है, टेंजेंट का मतलब ये होता है कि रेडियस के परपेंडिकुलर हो, आपका रेडियस है उसके परपेंडिकुलर है ये वाली साइड, एंगल नहीं है. ठीक है, दिस, तो आप इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक एंगल यहां पे बन रहा है, दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा. ठीक है, और वी कैन ड्रॉ दिस एंटायर थिंग हियर सेपरेटली,
आर हमारे पास डायमीटर 200 है तो आर 100 है, तो दिस इज 100, दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्यों निकालना है हमें? थीटा इसलिए निकालना है क्योंकि यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है दिस इज 270 में से मैं अगर थीटा माइनस करा दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट दिस एंगल विच इज एक्चुअली माय पाई एंगल जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मुझे 270 में से थीटा माइनस कराना है। थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा। एंगल के साथ वाली साइड कॉस होती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, बिकॉज एंगल के साथ वाली साइड है, तो मुझे थीटा मिल जाएगा यूजिंग माय कॉस इनवर्स रिलेशनशिप। थीटा आ गया, थीटा से मैं फाई निकाल सकता हूं। ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम हमें अप्लाई करना था लेवर के ऊपर, तो लेवर के ऊपर आप इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दीजिए पी टू और एफ के बीच में। तो व्हेन वी सॉल्व दिस इक्विलिब्रियम वी गेट पी टू एज 1300। ये इक्वेशन मैंने पिछले साइड देख ली थी। ठीक है, तो वी एफ का मूवमेंट क्लॉकवाइज है, पी टू का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। P2 आ गया, अब हमें phi भी पता है, F भी पता है, तो हम अपनी रिलेशनशिप लगा सकते हैं P1 P2 वाली। ठीक, इस इक्वेशन के अंदर वी नीड टू प्लग इन F, P2 एंड phi। F इज 0.3, phi हमारे पास 218 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करके इक्वेशन के अंदर प्लग इन करना है, जैसे हमने बोला था, तो मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दिया, दिस phi इन ओनली इशू इन दिस प्रॉब्लम वॉज के आपको phi को ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व करना है, जो पिछला वाला सवाल हमने देखा था, और बुक में और भी सवाल है इस तरह के जिनमें phi डायरेक्टली गिवन है आपको, तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, क्योंकि फिर बाकी कुछ बचता नहीं। इक्विलिब्रियम सवालों में फिर भी लगाना पड़ रहा है लिवर्स के ऊपर, बट दैट इज द इजी पार्ट। phi निकालने के लिए एक टेक्निक हमें देखनी थी, हमने देख ली कि यू विल बी एबल टू फॉर्म दिस ट्राइंगल एवरी टाइम। ठीक है, क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर ही हो गया हमेशा ये वाला केबल की साइड। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली फाइंड एन एंगल, और उसके थ्रू यूजिंग दैट एंगल यू विल बी समहाउ कैलकुलेटिंग phi, डिपेंडिंग ऑन द सवाल की ज्योमेट्री क्या बोल रही है, बट द अप्रोच शुड बी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड। सही है, तो ये सवाल अगर सॉल्व हो गया हमारा, तो वी कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम हमारे पीछे के सिस्टम में से आएगा, वी विल नीड टू आइडेंटिफाई किस टाइप का सिस्टम है, और देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ उसकी स्टेप्स जो है दे आर कॉम्प्लिकेटेड, बट वील ब्रेक इट डाउन इन टू स्मॉलर बिट्स एंड वील सी के किस तरीके से सॉल्व करें। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक ब्रेक सिस्टम गिवन है, सबसे पहले टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम आइडेंटिफाई करें। ड्रम इज इन द मिडल, और ड्रम के बाहर से शूज लगे हुए, दिस इज एन एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक शू सिस्टम। ठीक हो गया, अगर ड्रम बाहर की तरफ हो और शूज अंदर हो और बाहर की तरफ खुल रहे हो, तो दैट इज एन इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक, इंटरनली एक्सपेंडिंग शू सिस्टम। ठीक है, ये वाला एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू का सिस्टम। ठीक हो गया, अब फिर हम आ गए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखते हैं कि काम कैसे करें। काम ये ऐसे करेगा कि आपके पास एक लिवर है एल शेप का, वो आपके राइट शू के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें देखिए बहुत सारी पेन्स है, ये भी पेन है, ये भी पेन है, ये भी पेन है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपके पास पिन्स अवेलेबल है, तो दिस दिस एंड दिस, ऑल ऑफ दीज आर पिन्स। ये सारे पिन्स ग्राउंडेड नहीं है, ग्राउंडेड पिन्स आपकी नीचे वाली। ठीक है, ये वो पिन्स हैं जिनके अबाउट आपका शू मूव कर सकता है, ये सिर्फ कनेक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए पिन्स ऊपर वाले। तो आपका जो एल शेप्ड लेवर है ये राइट शू के साथ इधर कनेक्टेड है, उसके बाद एक टाई रॉड है व्हाइट कलर की जो बाहर पीछे शोन है, इस टाई रॉड के साथ यहां पे कनेक्टेड है, और ये टाई रॉड फोर्स ट्रांसमिट कर रही है लेफ्ट वाले शू। ठीक है, तो दैट्स अ सिस्टम। अब होगा क्या होगा, ये जब भी आप इसको थोड़ा सा ना इसको आप विजुलाइज करें, थोड़ा सा इंटेंशन भी यूज करें कि व्हाट हैपेंस व्हेन आई एक्चुअली पुश दिस डाउन। इफ आई पुश दिस डाउन, क्योंकि ये चीज यहाँ पे
सेटल हुई हुई है ड्रम के ऊपर ये शू, तो इस ये वाला जो पॉइंट है ना एज अ पिवट एक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा एल शेप जो लेवर है आपका ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, सही। तो जब ये रोटेट करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि आपके मैं इसको ब्रेक करके बनाता हूँ सिस्टम को, तो लेट मी जस्ट मेक दिस राइट। मेरे पास एक एल शेप का लेवर है, इस पे फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, इधर इधर एक फोर्स एक्ट करेगी बिकॉज दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर मैं पिन के अबाउट मोमेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, तो पिन के अबाउट अगर मैं मोमेंट लगाऊंगा तो ये दोनों मोमेंट जो है एक दूसरे को बैलेंस करें। अब ये क्या फोर्स होगी हमें नहीं पता, हमें उसको ब्लैंक छोड़ देते, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई क्या फोर्स। ये फोर्स आपके पास बल्कि इस एंड पे नहीं, इस वाले एंड के ऊपर यहाँ पे आपके पास एक टायर रॉड कनेक्टेड है, टायर रॉड के ऊपर भी सेम फोर्स एक्ट करेगी बिकॉज ये इंटरनल फोर्स है। पिन्स पे जो फोर्सेस होती है वो इंटरनल होती है, तो दोनों जो कनेक्टिंग पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर सेम फोर्स एक्ट कर रही होती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये पूरी एक्सरसाइज एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू इट, वी कैन डू इट सिंपली, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज इंपॉर्टेंट। तो सिंस द टायर रॉड विल ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, इसके दूसरे एंड पे भी सेम फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और ये टायर रॉड आपका जो भी लेफ्ट वाला ब्रेक शू है, इस ब्रेक शू के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स इधर निकल के आ रही है, दिस इज एक्चुअली, अब ये फोर्स क्या काम कर रही है, जो फोर्स लेफ्ट वाले ब्रेक शू के ऊपर एक्ट कर रही है, ये इस ब्रेक शू की एक्चुएटिंग फोर्स है। तो दिस इज ट्राइंग टू अप्लाई प्रेशर ऑन द शू कि वो ड्रम के साथ इन कॉन्टेक्ट आ जाए और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और लेफ्ट शू जो है ब्रेकिंग का टॉर्क जनरेट कर सके। तो दिस फोर्स इज एक्चुअली द एक्चुएटिंग फोर्स ऑफ द लेफ्ट शू, दिस इज द एक्चुएटिंग फोर्स ऑफ द लेफ्ट शू, सही। तो फिर आपके पास ये एक पिन बच गई, हमें ये पता है कि ये जो है आपके पास, दिस इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, दिस हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पिन के ऊपर भी कोई ना कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, वो रिएक्शन क्या होंगे, वो रिएक्शन आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू एफ एन एफ एल, बिकॉज एक फोर्स वाई में है एक फोर्स एक्स में है, तो रिएक्शन भी सेम में होंगे बिकॉज समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई नीड टू बी जीरो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, अब अगर मैं समेशन एम इस पॉइंट के, अब लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट समेशन एम ले रहा हूं, अभी मुझे कोई फोर्स नहीं पता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड वन रिलेशनशिप विच इज गोइंग टू हेल्प अस, अगली साइड में आएगा बट इधर बिल्ड कर लेते हैं, अगली साइड वैसे ही बहुत ज्यादा फील्ड है। तो एम ए अगर मैं लेता हूं तो एम ए में क्या होगा, एफ का मोमेंट मेरे पास क्लॉकवाइज है, दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट, और एफ एल का मोमेंट मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है अबाउट द पेन, तो माइनस एफ टाइम्स इट्स मोमेंट आर्म विच इज 16 प्लस एफ एल टाइम्स इट्स मोमेंट आर्म विच इज 4 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बेसिकली एक रिलेशनशिप आई, F upon FL equals to 4 upon 16, ठीक है। अभी मैंने क्यों निकाली है इस चीज को, बस अभी आप याद रखिए, अगली साइड में हम स्कीमेटिक बनाते हैं, उससे यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग कि दिस एक्चुअली हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो रिजल्टेंट रिएक्शन आ रहा होगा ना A के ऊपर, रिजल्टेंट जो आ रहा है ये निकालने में हमें हेल्प करेगा। तो रिजल्टेंट रिएक्शन क्या आ रहा है A के ऊपर, एक फोर्स F है एक फोर्स FL है, ठीक है, बल्कि दिस शुड बी द ऑपोजिट, दिस इज एफ एल दिस इज एफ, द रिजल्टेंट मेरे पास निकल के आ रहा है दैट रिजल्टेंट, इसका एंगल थीटा कितना होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ एल विच इज 4/16। तो थीटा हम जो है टेंजेंट इनवर्स से निकाल सकते हैं, तो जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज गोइंग टू कम अप इन द नेक्स्ट स्लाइड। डायग्राम में आपके पास इस पिन के ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इस पिन के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स है एफ एल एक फोर्स है दिस इज एफ एल एंड दिस इज एफ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा है,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है ना मेरे पास, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये मेरा लेवर था, ये मेरे लेफ्ट और राइट शूज है. तो मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो एफ और एफ आर, एफ और एफ एल और एफ का जो रिजल्टेंट बन रहा है जिसका एंगल थीटा था, दिस इज एक्चुअली द एक्चुएटिंग फोर्स ऑन द राइट शू. यू गेट दिस पॉइंट नाउ? क्योंकि पिन है ना, पिन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट कर रही है ऑन बोथ द पार्ट्स, आपके लिवर के ऊपर और शू के ऊपर सेम फोर्स एक्ट कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड है. ये पहले हमने फोर्स को लेबल नहीं किया था, अब हमने उसको लेबल कर दिया एज एफ आर. तो फोर्स इज एफ आर एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली नाउ एट एन एंगल थीटा. अब इस प्रॉब्लम में मसला क्या है? इस प्रॉब्लम में मसला ये है कि अभी तक हमने जो भी सवाल किए थे एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग और इंटरनली एक्सपेंडिंग शूज के, उसमें वी मेड अ वेरी सिंपल अजम्पशन. हमने सवाल किए दो शूज के साथ भी, हमने सवाल किए एक शू के साथ भी, हमने सवाल किए हैं चार शूज के साथ भी, बट वी ऑलवेज सेड इन द केस ऑफ मल्टीपल शूज, हम कहते थे कि फोर्स सेम है, सेम एक्सोटिंग फोर्स अप्लाई हो रही है सारे शूज के ऊपर, दैट हेल्प्ड अस अ लॉट. ठीक है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा. तो अब हमारे दोनों शूज के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, डिफरेंट फोर्स अप्लाई हो रही है. ठीक, तो दोनों फोर्सेस के लिए मैग्नीट्यूड भी चेंज है, दोनों के मोमेंट आर्म भी चेंज है. ठीक है, तो लेफ्ट वाली जो फोर्स है हमारे पास, उसका मोमेंट आर्म तो बहुत आसान है, बिकॉज द मोमेंट आर्म इज फ्रॉम दिस साइड इस पेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस सेम लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है, दिस इज 4 + 12 + 12 comes out to be 28 mm. तो लेफ्ट साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिन ऑफ द एक्चुएटिंग फोर्स इज CL equals to 28 mm. जो राइट वाला शू है ना, उसमें मसला है. राइट वाले शू, क्योंकि राइट वाले शू एंगल के ऊपर है, उसकी फोर्स निकालना इज नॉट इजी. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. इससे आगे का काम आसान है, इसके आगे का काम एग्जैक्टली सेम है जो हम करते हुए आ रहे हैं. तो दिस इज वेयर वी एक्चुअली नीड टू वर्क. एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट था कि दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, मतलब ऑपोजिट मतलब एंगल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, दोनों सेम फोर्स नहीं है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं और ओरिएंटेशन भी दोनों फोर्स से डिफरेंट है. अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो जाहिर है सी भी दोनों का डिफरेंट हो. राइट वाली फोर्स का सी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, ये वाला जो डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए. अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक अ स्कीमेटिक हियर. अब ये स्कीमेटिक को हम समझते हैं पूरा, मैंने पूरी स्कीमेटिक बना दी है, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. इसको समझने के लिए व्हाट यू नीड टू सी हियर इज कि आपके पास जो पिन का परपेंडिकुलर, पिन का जो डिस्टेंस है ना सेंटर से लेके, दैट इज 3, और जो एक्चुएटिंग फोर्स का सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज 5. सही है, तो मेरे पास जो गैप यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है ना पिन ऑफ द शू और जिस पिन के ऊपर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली 2 inches. ठीक है, वो यहां पे मैंने ड्रॉ किया 2 inches. ठीक है, एक तो ये चीज आ गई. फिर हमारे पास जो हाइट है एक्चुएटिंग फोर्स की फ्रॉम द पिन, दैट इज 12 + 12, तो दैट इज 24, दैट इज ऑल्सो शोन हियर. सही, हमें निकालना है CR. सही, तो CR निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ट्राइंगल सॉल्व करने पड़ेगा, विच इज दिस ट्राइंगल हियर. तो दिस इज 90 degrees, क्योंकि ये जाहिर है FR के, दिस इज FR, FR का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CR, तो दिस एंगल हैज टू बी 90 degrees. तो मुझे ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करना है, विच इज दिस ट्राइंगल हियर. मैं उसके वर्टिसेस हाईलाइट कर देता हूँ. तो दिस ट्राइंगल राइट हियर, आई नीड टू सॉल्व दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए मुझे ये, मेरे पास यहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है विच इज दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में से ये डिस्टेंस माइनस कराना पड़ेगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है ना, क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस तो पता है 24 है, उसमें से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस करा दूं, लेट्स कॉल दिस वाई, तो मेरे पास ये साइड आ जाएगी विच इज एक्स. सही, एक्स आ गई. ये एंगल 14 degrees क्यों है, क्योंकि एफ आर का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, तो दिस इज, देर आर टू लाइंस, एक लाइन एफ आर की है, एक लाइन एक्स की है,
इनके परपेंडिकुलर्स का भी सेम एंगल होगा. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स कि अगर मैं दो लाइन लूं और फिर उनके परपेंडिकुलर्स ले लूं, उनके बीच में एंगल सेम रहता. तो दिस इज एफ आर, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में एंगल 14 है. एफ आर का परपेंडिकुलर इज सी आर और एक्स का परपेंडिकुलर इज वाई, तो दिस इज वाई. तो वाई और सी आर के बीच में भी जो एंगल होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 14 डिग्री. ठीक. तो अगर मैं किसी तरीके से ये x निकाल लेता हूं देन आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट सी आर. दैट्स द इशू है. ठीक. तो अब y कैसे निकलेगा? अब आप इस छोटे से ट्राइंगल को देखिए, ये साइड 2 है, दिस एंगल इज 14. तो व्हाट इज y? टेंजेंट की रिलेशनशिप लग जाएगी. तो y इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट 14. तो मैं अगर 24 में से 2 टेंजेंट 14 माइनस करा दूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा. X आ गया तो मेरे पास ये ट्राइंगल बन रहा है. इस ट्राइंगल में ये बेस है, ठीक है, ये उसका हाइपोटेन्यूस है. ठीक है. तो cos is equals to base upon hypotenuse, base is equals to hypotenuse times cos. तो CR is equals to X times cos 14 and we get CR. अब ये I get that this is a very complicated procedure and this is probably the most complicated question that we have dealt with this in this chapter. Okay, but try to understand this concept. Okay, ये वाली जो चीज़ है इसको समझ लीजिए. इससे बहुत ज़्यादा different. You don't need to worry about कि कोई बिल्कुल ही different तरीके से सवाल solve करने को आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो if you get the concepts used in this problem, you are good. तो इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा. इससे हम बहुत ज्यादा deviate नहीं होंगे अगर हम कुछ सवाल देते हैं तो. I'm not saying ये सवाल आएगा. It's a fairly complicated problem. But what I'm saying is कि this you don't need to worry about कि ये नया concept आ गया तो बहुत कोई बिल्कुल ही fresh चीज आपको exam में मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो अब let's just step back and see कि हमने क्या कर लिया. हमने कर ये लिया है कि हमने relationship निकाल ली है एफ एल की एफ के साथ. तो हमने कहा था कि f अपॉन एफ एल इज इक्वल टू 4/16. क्वेश्चन पढ़ ले. क्वेश्चन तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है. हमें ये वी डोंट नो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रिक्शन कोफिशिएंट f, फेस वेट p, लिमिटिंग शू प्रेशर, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिस्टम. ठीक है. हमें मैक्सिमम फोर्स निकालनी है अप्लाइड ऑन द लेवर और टॉर्क कैपेसिटी निकालने के जो दोनों शूज का कंबाइंड टॉर्क कितना हो. दिस इज व्हाट वी नीड. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू प्रोसीड फ्रॉम हियर व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला आपका शू है जो कि सेल्फ एनर्जाइजिंग है. तो अब इफ नाउ वी गो बैक टू द ओल्ड स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर हमारे पास दो शूज होते हैं और हमें मैक्सिमम प्रेशर पता होता है तो हम ये देखते हैं कौन सा शू सेल्फ एनर्जाइजिंग. जो शू सेल्फ एनर्जाइजिंग होता है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं, उससे हम फोर्स निकाल लेते. ठीक है. तो हम पहले हम फोर्स निकालते थे एफ, वही फोर्स दूसरे शू पे भी अप्लाई हो जाती थी. अब क्या होगा, हम मैक्सिमम प्रेशर से एफ एल निकालेंगे, एफ एल से एफ निकालेंगे, एफ से फिर एफ एल और एफ के कॉम्बिनेशन से हम एफ आर निकाल लेंगे और एफ आर से सॉल्व करके फिर हम राइट वाला शू को सॉल्व करेंगे. दिस इज a similar approach that we have done so far. ठीक है. कॉन्सेप्ट अब चेंज नहीं है, बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट. लेट आई वॉन्ट टू जस्ट वेरी क्विकली गो बैक एंड रिवाइज द फॉर्मूलाज ताकि आपको पता होगा हमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होते थे ना. तो लेट्स जस्ट गो बैक एंड सी के हमारे पास एक्सटर्नल सिस्टम में क्या क्या चाहिए होता था. तो एक्सटर्नल कॉन्टेक्टिंग शूज के अंदर एम एफ और एम एन के ये फॉर्मूला होते थे जो मोमेंट्स बन रहे हैं फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स के. प्रेशर चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, वेट चाहिए, रेडियस चाहिए, थीटा ए चाहिए, थीटा वन थीटा टू चाहिए. हमने थीटा की अभी तक कोई बात नहीं की तो वी नीड टू टॉक अबाउट थीटास. ठीक है. रिमेम्बर दिस. दोनों शू के ऊपर प्रेशर डिफरेंट होगा तो जो भी सेल्फ एनर्जाइजिंग शू है उसमें मैक्सिमम प्रेशर ले लेंगे, दूसरे का प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा. वंस वी फाइंड द प्रेशर्स ऑन बोथ शू देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली गो हेड एंड अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टॉर्क ऑन बोथ द शूज और टोटल टॉर्क जो होता है वो दोनों का सम हो जाए. बस ये अप्रोच है हमारी विच वी नीड टू डू. अच्छा एक चीज और, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दीज इंटीग्रल्स इन द कैलकुलेटर. हम बोलते हुए आ रहे हैं यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपको हाथ से करके दिखाना पड़ेगा.
कैलकुलेटर में, मेक श्योर यू प्रैक्टिस हाउ टू सॉल्व दिस थिंग इन अ कैलकुलेटर सो दैट यू कैन सॉल्व दिस थिंग फास्ट. ठीक, तो इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अच्छा, तो रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, FEA इसमें अलग से आ रहा है. तो अगर हमें PA पता है तो हम पूरे को साथ सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम PA सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम PA को अलग रख के बाकी चीज को सॉल्व कर लेंगे. तो ये हम पहले करते हुए आ रहे हैं, जस्ट रिवाइजिंग दिस. हमारे पास जो एक्चुएटिंग फोर्स होती है उसके दो फॉर्मूले होते हैं. सेल्फ एनर्जाइजिंग का फॉर्मूला माइनस के साथ आता है और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग का फॉर्मूला प्लस के साथ आता है. तो अब हमारे पास एक्चुअली एक शू सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा, एक शू नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा. और अब हमारे पास फोर्स डिफरेंट है. तो एक तरफ एफ एल और सी एल अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ एफ आर और सी आर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस. तो लेट मी जस्ट डायरेक्टली जंप इन. राइट, हमने यहां तक बात कर ली है. हमने थीटास निकाल लें. तो थीटा निकालने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपने एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं. So this is our x-axis. X-axis passes through the pin, and y-axis is actually directed towards the shoe. ठीक है, x और y इस तरीके से बनता है. Theta one is the angle till the start of the shoe, or theta two is the angle till the end of the shoe. ठीक है, ये दोनों निकालने हैं हमें. तो अगर मैं इसको जस्ट रिमूव कर दूं, जस्ट टू मेक अवर लाइफ इजी. तो थीटा वन क्या है हमारे पास? थीटा वन इज एक्चुअली दिस 20 डिग्रीज में से अगर मैं ये एंगल माइनस करा दू ना, 20 में से अगर मैं ये एंगल माइनस करा दूंगा तो थीटा वन आ जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज दिस एंगल अल्फा? इसको निकालने के लिए यू कैन लुक एट दिस. ये साइड 3 है, ये हाइट जो है 12 है. तो दिस इज अल्फा. एट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/12. So alpha becomes tangent inverse 3/12. Theta 1 becomes 20 degrees minus tangent inverse 3/12 becomes 6 degrees. और theta 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो let me just clear this entire thing out ताकि मैं इसको simply explain कर सकूं. The total angle is 180 degrees. उसमें से मैंने ये 30 degrees minus करा दिया और उसमें से मैंने फिर ये सेम जो अल्फा था अल्फा माइनस करा दिया. तो जो बाकी बचा एंगल मेरे पास दैट इज थीटा 2. तो थीटा 2 निकाल लिया. ठीक है, हमने ये बोला था कि जब भी थीटा 2 90 डिग्री से ज्यादा होगा देन द थीटा ए व्हिच इज द एंगल फॉर द मैक्सिमम प्रेशर विल बी 90 डिग्रीज. जब भी थीटा 2 लेस देन 90 होगा तो थीटा 2 विल बी थीटा ए. पिछले लेक्चर्स में मल्टीपल टाइम्स ये वाली बात कर चुके हैं. तो थीटा ए, क्योंकि हमें थीटा टू मोर देन 90 डिग्री से, तो थीटा ए बिकम्स 90 डिग्री. सही है, अब थीटा वन पता चल गया, थीटा टू पता चल गया. अब आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि मेरा कौन सा शू जो है वो सेल्फ एनर्जाइजिंग है. ठीक है, तो फॉर दैट उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फोर्सेज फाइंड करते हैं. अच्छा, एक चीज और रह गई थी. ए इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ड्रम. ठीक है, दिस इज ए. ए निकाल लें एनीवेज. तो अब हमने निकालना है कि हमारे पास कौन सा शू सेल्फ एनर्जाइजिंग है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं. राइट, एंड फ्रॉम देयर वी कैन एक्चुअली सर्च फॉर कि कौन सा शू सेल्फ एनर्जाइजिंग है. एक पॉइंट हमें याद रखना होता है कि जब भी जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ द ड्रम टू द शू. तो अगर आपका ड्रम बाहर की तरफ है और आपका शू इंटरनल है तो द नॉर्मल फोर्स एक्ट्स लाइक दिस. लेकिन अगर आपका शू बाहर है और आपका ड्रम इंटरनल है देन द नॉर्मल फोर्स एक्ट्स लाइक दिस. ठीक है, तो सिंस दिस इज एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू तो आपकी नॉर्मल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रही है. अगर इंटरनली कॉन्ट्रैक्टिंग होता तो नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट. ठीक है, तो अब हमें देखना यह है कि कौन सा वाला शू सेल्फ एनर्जाइजिंग है. सेल्फ एनर्जाइजिंग का तरीकेकार यह है चेक करने का, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स. हम ये देखते हैं फ्रिक्शन का मोमेंट और नॉर्मल फोर्स का मोमेंट, इन दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन सेम है कि नहीं. अगर डिफरेंट हो सेंस ऑफ रोटेशन, यानी एक क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, देन वी से दैट शू इज सेल्फ एनर्जाइज. डिफरेंट होना जरूरी है. तो अब राइट शू पे देखें. राइट शू के पिन ये है, दिस इज अ पिन.
पिन के ऊपर नॉर्मल फोर्स के रोटेशन, जो नॉर्मल फोर्स है इसकी सेंस ऑफ रोटेशन ये आ रही, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है इसकी सेंस ऑफ रोटेशन भी यही आ रही, बोथ और क्लॉकवाइज, ये दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। तो ये तो सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं हो सकता। दूसरे वाले शू को देखें, दूसरी वाली पिन ये है, नॉर्मल फोर्स इसकी सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो उसको मैं अलग करके बना देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं हो समझने में। तो दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स, इसकी सेंस ऑफ रोटेशन जो आ रही है दैट इज एंटी, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन क्लॉकवाइज है। तुम्हारा लेफ्ट वाला जो शू है ना दैट इज सेल्फ एनर्जाइजिंग, ठीक है, लेफ्ट शू इज सेल्फ एनर्जाइजिंग। तो सेल्फ एनर्जाइजिंग शू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एम एन माइनस एम एफ अपॉन सी, ठीक है। तो जो हमारी एक्सेलरेटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम एन माइनस एम एफ अपॉन सी। अब इस केस में सेल्फ एनर्जाइजिंग शू में हमारे जो पी ए है दैट बिकम्स योर मैक्सिमम प्रेशर इन द सिस्टम, जो क्वेश्चन में गिवन था। एवरीथिंग एल्स इज नोन, हमने जो भी एम एन और एम एफ के फॉर्मूले देखे थे इंटीग्रल वाले उसमें हमें सब कुछ पता है, थीटा वन थीटा टू थीटा ए बी पी ए आर, आर इज एक्चुअली 10 इंचेस गिवन है, ठीक है, सब कुछ पता है। आप उस पूरे इंटीग्रल को डायरेक्टली कैलकुलेटर में सोल्व कर सकते हैं, दैट रिजल्ट्स आर, दोस रिजल्ट्स आर गिवन हियर, ठीक है, एम एन और एम एफ, ये आपको चेक करना पड़ेगा, बट डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करने वाली चीज है। सी एल हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो एफ एल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, एफ एल आ जाएगा। जब एफ एल आ जाएगा तो एफ एल यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट एफ, हमने कहा था एफ अपॉन एफ एल इज इक्वल टू 4/16, तो हमारे पास एफ आ गया, और जब एफ आ गया तो हमने कहा था कि हमारे पास एफ एल और एफ का जो पाइथागोरियन सम है दैट इज गोइंग टू बी एफ आर, तो हम पाइथागोरियन थ्योरम से एफ एल और एफ एल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एफ आर भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमें जब एफ आर पता चल गया तो हमें राइट शू की फोर्स पता चल गई, तो वी नाउ नो द फोर्स एक्टिंग ऑन द राइट शू, ये वाली जो फोर्स थी ना, वी नाउ नो द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर। लेफ्ट शू का हमें प्रेशर पता था, हमने उससे फोर्स निकाली, और राइट शू का हमें फोर्स पता है उससे प्रेशर निकालेंगे। दिस इज द सेम अप्रोच दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि पिछले प्रॉब्लम में एफ सेम था, अब हमें बीच में एक स्टेप ऐड करना पड़ गया जिससे हमने एफ एल से एफ आर कैलकुलेट कराया। ओवरऑल अप्रोच इज द सेम, लेफ्ट सेल्फ एनर्जाइजिंग शू में प्रेशर पता था उससे फोर्स निकाल ली, और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू में हमें फोर्स पता है उससे हम प्रेशर निकाल लें। जब हम प्रेशर निकाल लेंगे देन वी विल बी एबल टू एक्चुअली फाइंड द टॉर्क। तो लेट मी जस्ट शो यू द फॉर्मूला फॉर टॉर्क फॉर वन मोर टाइम ताकि हम इसको जो है हमें मसला नहीं। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है, टॉर्क के फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें चाहिए फ्रिक्शन फैक्टर, प्रेशर, वेट, रेडियस, थीटा वन थीटा टू थीटा ए। लेफ्ट शू पे हमें सब कुछ पता है इंक्लूडिंग द प्रेशर, राइट शू पे हमें प्रेशर नहीं पता, तो हमें राइट शू का प्रेशर निकालना पड़ेगा। देन वी कैन सॉल्व फॉर टॉर्क ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, और फिर दोनों के टॉर्क को ऐड करा देंगे टू एक्चुअली गेट द टोटल टॉर्क इन द सिस्टम। बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास फोर्स आ गई, तो हम राइट साइड के ऊपर व्हाट वी कैन देन डू, हमें पीए निकालना है, तो हमें एमएन और एमएफ को इन टर्म्स ऑफ पीए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पीए नहीं पता। हमने जो एमएन और एमएफ का फॉर्मूला देखा था उसमें पीए को छोड़ दीजिए, बाकी पूरी इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए एमएन और एमएफ को, एफ आर का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, उससे आपको पीए निकालना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली पीए, मैं लिखना भूल गया था, तो दिस इज एफ आर, एफ आर हमें पता है, सी आर हमें पता है, एम एन और एम एफ आर अ फंक्शन ऑफ पी ए, पी ए खाली अननोन है, बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो हमें पता है। सब कुछ उसी तरफ ले जाए सिवाय पी ए के, पी ए कैलकुलेट कर लीजिए। वंस यू गेट पी ए, हमें टॉर्क के फॉर्मूले में अब सब कुछ पता है दोनों शूज के लिए, तो आप टी एल और टी आर दोनों निकाल सकते हैं। अगेन इंटीग्रल है, इनफैक्ट टी आर टी का इंटीग्रल ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, आपको फॉर्मूले के अंदर सब कुछ प्लग इन करना है। प्लग इन कीजिए टी एल और टी आर निकालिए, टोटल टॉर्क इज द सम of the two torques and you get what we need basically. हमें टॉर्क निकालना था, हमने टॉर्क निकाला, ठीक है। तो let's end this thing here.